जयपुर में स्टार कोविड अस्पताल में सोनिया गांधी की ओर से बनाए गए टास्क फोर्स में अस्पताल को शामिल करने की मांग की गई है। जी हां, अस्पताल निदेशक डॉक्टर राकेश केदावत ने कहा कि मरीजों को बेवजह है ऑक्सीजन, रेमडेसिविर तथा वेंटिलेटर के लिए परेशान किया जा रहा है। मोटी रकम लेने के बावजूद उनकी जान नहीं बच पा रही है, जबकि वो साधारण दवाओं, कुछ एक्सरसाइज और खाने पीने से अब तक 2000 रोगियों को यानी कोरोना संक्रमितों को ठीक कर चुके हैं, जिसमें से 60% ऐसे निमोनिया के मरीज शामिल हैं जिनका सेचुरेशन भी 70 तक पहुंच गया था। केदावत ने कहा कि वो अस्पताल में सभी मरीजों का निशुल्क उपचार करने के लिए तैयार है। उन्हें भी इस महामारी में मरीजों की सेवा करने में मौका टास्क फोर्स में शामिल कर सरकार प्रदान करे। इस पे घोर अध्ययन कर ये पाया गया है कि कोरोना में जो कुछ ड्रामा चल रहा है पूरे देश में, पूरे संसार में, वो केवल नासमझ लोगों को जो कोरोना से दूर बैठे हैं, केवल नीतियां बना रहे हैं, उनके कारण हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत जो दिन रात कोरोना के मरीजों की सेवाओं में जुटे हुए हैं, बीमार होने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। डॉक्टर रघु शर्मा जिनका घर परिवार में कोरोना के पीड़ित लोग हैं, पर वो उनकी चिंता नहीं कर कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज जो सोनिया गांधी जी हमारी माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोरोना टास्क फोर्स का गठन किया है जनहित में कोरोना के मरीजों को सहायता देने के लिए। मैंने आपके पीए से निवेदन किया है कि मैं सहर्ष निशुल्क अपने पास उपलब्ध सेवाएं माननीय सोनिया गांधी जी द्वारा जो कोरोना टास्क फोर्स बनाई गई है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए देने को तैयार हूँ।